नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइज तीन पॉइंट दो प्रश्न नंबर पांच का ए भाग हम करने जा रहे हैं क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप बाईस डिग्री हो क्यों देखे बच्चों हमने पढ़ा था किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बताइए बच्चों सोचिए हम बहुत प्रश्न कर चुके हैं इसके किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है यदि एक कोण का माप है 22 डिग्री तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा है भुजाओं की संख्या बराबर होती है 360 डिग्री जो कुल कोणों का योग है बटा एक कोण का माप तो आइए हम देखते हैं 360 को 22 से भाग करके देखिए बाईस से कम बाईस छ में से दो निकाले चार तीन में से दो निकाले एक आगे से उतारा जीरो इसके बाद यदि हम देखें तो यह छे पे जाएगा छह दुनी बारह हासिल आया एक छे दुनी बारह और एक तेरह एक सौ चालीस में से एक सौ बत्तीस निकाल दिया तो आया आठ आगे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप देख सकते हैं तीन सौ साठ बाईस पर पूरा पूरा नहीं गया अब आगे इसको हल करना हो तो यहां दशमलव लगाना पड़ेगा इसका मतलब भुजाओं की संख्या आएगी सोलह दशमलव आठ क्या भुजाओं की संख्या हो सकती है सोलह दशमलव आठ क्या हम कह सकते हैं एक बहुभुज है उसकी भुजाएं कितनी है सोलह दशमलव आठ या तो भुजाएं चार होंगी या पांच होंगी या छे होंगी या आठ होंगी त्रिभुज है तो तीन भुजाएं चतुर्भुज है तो चार भुजाएं लेकिन सोलह पॉइंट आठ तो भुजाएं हो ही नहीं सकती है ना इसका मतलब क्या हुआ कि तीन सौ साठ डिग्री बाईस से विभाजित नहीं होता इसका मतलब क्या है कि ऐसा समबहभुज संभव नहीं है तो हम यहां लिख देंगे ऐसा बहुभुज संभव नहीं है ठीक है बच्चों आशा करता हूँ प्रश्न का ए भाग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा यदि आप इसका बी भाग देखना चाहते हैं तो हमारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए धन्यवाद